आज मजा आएगा। जी हाँ गाइस, आज आएगा असली मजा। वैसे दिवाली के टाइम पे सभी लोग इस तरीके की छोटी छोटी कैंडल्स जलाते, लेकिन हम जो है थोड़े से अलग टाइप के लोग, इसीलिए इस दिवाली को हम इस तरीके की छोटी छोटी कैंडल्स नहीं जलाएंगे, बल्कि इस दिवाली को हम बनाने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती। हाँ गाइस, तो सभी लोग तैयार? तैयार, हम सब तो तैयार है। आप भी तैयार हो जाओ दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती देखने के लिए। ये क्या है? बड़ी मोमबत्ती बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि मोमबत्ती काम कैसे करती है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी कैंडल है, नीचे इसके बेस है जिसके ऊपर ये खड़ी होती है। साथ ही साथ मोम खुद से नहीं जलता, इसे जलने के लिए किसी धागे का या फिर किसी भी दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक धागा है। अगर मैं इसे बीच में से तोड़ दूं तो आप देखेंगे कि जो धागा है वो इसके ऊपर से लेकर नीचे तक गया हुआ है, ये देखो। और ये जो धागा है ये कॉटन का है, ये देखो। तो गाइस यार, छोटी मोमबत्ती बनाना तो बहुत ही आसान है, साथ ही साथ इसके जो पीछे का मैकेनिज्म है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन इससे ही जब हम बहुत बड़े लेवल पे ट्राई करेंगे तो ये जो काम है ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन हम इसे कर करेंगे। तो गाइस यार, बड़ी मोमबत्ती बनाने के लिए हम रेडीमेड मोम का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास है वैक्स, यानी कि मोम, काफ़ी लोग इसे पैराफिन भी बोलते हैं। ये देखो तो गाइस यार, मेरे पास यहाँ पर अलग टाइप का मोम है, ऐसा मोम जिससे कि छोटी छोटी मोमबत्तियाँ बनाई जाती है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ की सिल्ली की जैसा है, छोटी सिल्ली, इतना बड़ा स्लैब है। अंदर से अगर अपन देखें इसे काट के, तो देखते हैं कि अंदर से कैसा है या फिर इसके अंदर क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ इस तरीके का एक मोम का बड़ा सा स्लाइस है। ये देखो इतना बड़ा है और देखने में ऐसा लग रहा है बर्फ़ी, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है, इतना ज़्यादा भारी नहीं है। ये देखो, अगर मैं इसे चाकू की मदद से काटना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसे काटना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग और स्मूथ है। ये देखो, बहुत ही आसानी से ये कट रहा है। तो यही वो चीज़ है जिससे कि छोटी बड़ी अलग अलग टाइप की मोमबत्तियाँ बनती है। मोमबत्ती को नॉर्मली बनाया जाता है, अगर उसके कलर देना हो येलो, पिंक, रेड, तो उसके अंदर कलर मिक्स कर दिया जाता है वैक्स के अंदर, तो वैसे वो बन जाती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो वैक्स है इसे मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने के लिए हमारे पास भट्टी है और ये भगोना है, ठीक है। तो मेल्ट करते समय हमें काफ़ी ज़्यादा सावधानियां बरतनी होगी। मोम हद से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हद से ज़्यादा गर्म हुआ तो वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा, जो कि डिज़ास्टर होगा, उसे बुझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए एक परफेक्ट टेम्परेचर पर इसे पिघलाना होगा, ताकि इसे पिघला के हम बड़ी मोमबत्ती बना सकें। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर मोम गर्म होता है और फिर उसके अंदर गलती से भी पानी के छींटे या फिर ठंडा पानी या फिर कुछ भी ऐसा गिर जाता है तो होता है बूम। जो पुराने सब्सक्राइबर्स है वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि गर्म मोम के अंदर पानी क्यों नहीं डालना चाहिए और साथ ही साथ क्या सावधानियां हमें रखनी होती है। तो सबसे पहले तो इस मोम को पिघलाते हैं अपन और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस, बेस जो है वो
वो जल्दी ठंडा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। Alright, अब भरते हैं इसे मोम से। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत सारा मोम पिघला लिया है, पूरा ड्रम भर गया है और भी मोम यहाँ पे पिघल रहा है। तो अब बारी आती है सबसे खतरनाक काम की, जो कि सच में बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तुम तैयार हो? तैयार। तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अगर आग लग गई, मोम फैल गया तो ये जला भी सकता है, बर्न भी कर सकता है, इसीलिए प्लीज यार डोंट ट्राई। हम इसे शुरू करते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, चलो मोटे भाई अब बनाते हैं मोमबत्ती। तो गाइस यार हमने सोचा था कि ये शाम तक सूख जाएगी, लेकिन नहीं, पूरे 2 दिन का वक्त लगा इसको ठंडा होने में। अब जाके फाइनली हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती है वो आप देख सकते हैं कि लगभग बनके तैयार हो चुकी है। तो अब क्या करते हैं, इसको इस खड्डे से बाहर निकालते हैं और इस कवरिंग को हटाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमने काफ़ी सारा ये कपड़ा बांधा है, कपड़े पे बार बार गीला पानी डाल रहे थे ताकि ठंडी हो ठंडी, उसके बावजूद भी 2 दिन का इसने वक्त ले लिया, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये लगभग तैयार है। तो चलो इसे नीचे उतारते हैं और देखते हैं कि कैसी बनी है हमारी मोमबत्ती। हेलो, गाइस ये बनके तैयार हो गई है। अभी तो इसे खड्डे से बाहर निकालना, और ये बहुत बहुत भारी है, दिस इज इनसेन यार, बहुत भारी है। धीरे धीरे से नीचे बिठाते हैं, अंत बिल्कुल धीरे धीरे से, बहुत भारी है गाइस ये, और अभी भी गर्म है यार। मैं सोच रहा था कि अभी भी ठंडी होगी, लेकिन अभी भी ये गर्म है। इसे लेके चलते हैं उधर और इस फ्रेम को काट के देखते हैं। उठाओ उधर से, ग्राइंडर लाओ, काटते हैं। कवर को हटाते गाइस अब। वाह यार गाइस, मोमबत्ती का शेप देखो यार, कितना प्यारा निकल के आया। ये देखो कितनी प्यारी जो हमारी मोमबत्ती है वो बनी है गाइस। अब इसको पूरे को काटते हैं, यहाँ से उड़ा दे। गाइस यहाँ पे मुंह बनाया है हमने मोमबत्ती का, उसे भी खोल के देखते हैं कि उसका कैसा शेप आया है। तो गाइस यार मुंह बाहर निकल गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मोम का ये जो आगे का शेप है ये थोड़ा सा बिगड़ गया है, लेकिन इसे तो हम वापस बना देंगे। और अब अपन क्या करते हैं कि इसके पूरे शेप को यहाँ से काटते हैं, देखते हैं कि जो पूरी मोमबत्ती है वो कैसी बन के आई है। ठीक है, पूरी को काटते हैं। गाइस मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अब इसको खोल के देखते हैं कि मोमबत्ती। ओ भाई वाह यार, बोट यहाँ से पकड़। गाइस देखो एक बारी मोमबत्ती का कितना प्यारा शेप बन के आया है यार। ये देखो गाइस, बहुत ही प्यारा शेप यहाँ पे मोमबत्ती का बन के आया है। ये देखो गाइस, अरे ये पानी उमस का है फिर ओस का है, इसकी वजह से आया ये। बाकी गाइस आप देख सकते हैं और कितनी प्यारी बन के ये शेप, देखो गाइस इसको बिल्कुल। ये देखो वहां से ऐसे ऐसे दिखो, क्या शानदार लग रही है यार, बहुत ही शानदार। गाइस यार मेहनत रंग लाई, लेकिन इसको भी ऐसे छोड़ देते, वापस पैक कर दो, धीरे धीरे धीरे। अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, पहले अपन ने जो बेस बनाया है उसको भी निकाल लेते हैं। इसको हटा के नीचे रख दो और जो बेस बनाया उसे देखते हैं कि बेस कैसा बना है अपना। बेस लेके आते हैं। तो गाइस ये रहा नीचे का बेस, आ जाओ। तो गाइस अभी बेस को भी खोल के देखते हैं, बेस भी आई थिंक काफी ठंडा हो चुका है। तो गाइस ये बेस भी कट गया है, रुको आराम से। वाह यार गाइस बेस देखो, कितना शानदार बेस इसका बन के सामने आया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा है, और जैसे ही हम इसको मोमबत्ती को इसके अंदर डालेंगे यकीनन बन जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती। ऑलराइट गाइस, तो यार मोमबत्ती को यहीं पे खड़ा करते हैं और इसके अंदर डाल के देखते हैं कि बेस काम कर रहा है या फिर नहीं। गाइस मोमबत्ती उठ चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती। आप देख सकते हैं कि इतनी भारी है,
कि इतने हट्टे घट्टे पहलवान लग रहे हैं इसको ले जाने के अंदर, तो इसे ग्राउंड के बीच में रखते हैं और बीच में ही इसे जलाएंगे। चलो लेके चलो भाई, यार बहुत भारी है यार और अभी भी गर्म है। चलो गिर भी नहीं रही है। अब क्या करते हैं, अब ये जो पाइप है इसे यहाँ से काट के इस पाइप के फ्रेम को बाहर निकाल देते हैं ताकि हम मोमबत्ती को जला सके और देख सके। चलो ग्राइंडर लाओ। दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती पेश है आपके सामने। फाइनली काफी दिनों के मेहनत के बाद में हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती है वो बिल्कुल सीधी खड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है। चलो आ जाओ मैं आपको जो है इसका नाप दिखाता हूँ कि ये कितनी बड़ी है। सबसे पहले देखते हैं कि ये मोटी कितनी है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं दिनेश कितने इंच मोटी है ये 26 इंच। गाइस यार 26 इंच इसकी मोटाई है। और अब देखते हैं कि ये लंबी कितनी है। गाइस यार लंबी तो ये काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं नीचे से पकड़ो लंबाई इसकी पूरी। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी है। ओ भाई और बस। तो गाइस यार इसकी जो लंबाई है वो आई है यहाँ पर यानी कि 7 फीट 8 इंच। यार गाइस 7 फीट की मोमबत्ती है, 7 फीट 8 इंच। अगर इसकी ये वाली स्टिक को भी जोड़े तो लगभग पूरे 8 फीट की मोमबत्ती है गाइस। अब आप सोचोगे इसको जलाएंगे तब कितना मजा आएगा। ऑलराइट गाइस तो चलो अभी इसे जलाते हैं। लाओ सीढ़ी लो, इसे जलाने के लिए मुझे भी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट गाइस तो चलो अभी इसे जलाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती अभी जलने वाली है, देखते हैं कि इसके अंदर से कितनी रोशनी आती है। थोड़ा सा धागा छोटा कर देते हैं अपन और अब जलाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती। ठीक है गाइस। ओ तो गाइस यार हमारी मोमबत्ती जलना स्टार्ट हो गई है ये देखो। और गाइस यार फाइनली पेश है आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी कैंडल इस दिवाली को। गाइस मेहनत रंग लाई। पकड़ो मैं नीचे उतरता हूँ और देखते हैं कि क्या है। गाइस यार वो कहते हैं ना कि दिए के नीचे अंधेरा होता है, वैसे ही इसका भी सीन है कि मोमबत्ती इतनी बड़ी है कि आप देख सकते हैं कि नीचे हल्का सा अंधेरा आ रहा है और बाकी ऊपर जो है बहुत ही खतरनाक लो जल रही है गाइस इसके अंदर। वाह यार गाइस यार यकीनन मजा आ गया, लाइट जला लो। गाइस अभी हमने आसपास की सारी लाइट बंद कर दी है जितना कि हम बंद कर सकते थे। अभी देखो इसका उजाला कितना हो रहा है ये देखो। गाइस यार कौन कहता है कि दिए के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। गाइस यार दिलों के अंदर उजाला होना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर उजाला हो जाएगा। तो गाइस यार अब फाइनली हमारी कैंडल सक्सेसफुल हो गई है, तो अब इसे बुझा देते हैं और आपसे भी अलविदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। चलो लौंडा यहीं से इसे बुझाने की कोशिश करो। कौन बुझाता है? नहीं बुझी। यार किसी से ही नहीं बुझ रही यार, ये 5 जन्म हो गए तीनों यार अभी भी नहीं बुझ रही।
तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस।